अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का भव्य शुभारंभ 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह के रूप में होगा। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री सहित अनेक मंत्री एवं संत व धर्माचार्य आदि प्रमुख हस्तियां भी शामिल होंगी। इसी श्रृंखला में धर्म नगरी वृंदावन से भी प्रमुख संत व धर्माचार्य शिरकत करने जा रहे हैं। मंगलवार को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उन्होंने प्रस्थान से पूर्व राम मंदिर की नींव में स्थापित करने के लिए प्रमुख मंदिर व गौशालाओं की रज, कुरुक्षेत्र की रज, ब्रह्मसरोवर का जल आदि संग्रहित करने के साथ ही अपने परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम की गौशाला में गौमाता का पूजन किया। वहीं भक्तों द्वारा उनका माल्यार्पण आदि से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान महाराज श्री ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन पर प्रकाश डालने के साथ ही अब राम मंदिर निर्माण एवं भूमि पूजन समारोह में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। वास्तव में भगवान कृष्ण और भगवान राम दो नहीं हैं, एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग और वेश। और आनंद हो रहा है कि भगवान कृष्ण की स्थली से भगवान राम की स्थली की ओर और एक ऐसे भाव के साथ कि जब सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा रत एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि के रूप में, श्री राम मंदिर के रूप में, और ये जो प्रस्थान है श्री कृष्ण जन्मभूमि से श्री राम जन्मभूमि की ओर, ये सद्भावना का एक नया स्वरूप है। और साथ ही साथ यहाँ गिरिराज जी की पावन माटी, यमुना जल, सरस्वती जल, सिंधु जल और ज्योतिसर गीता उपदेश स्थलों की माटी और ब्रह्म सरोवर जल, अनेक अन्य तीर्थों की पावन माटी जल साथ है। और ये श्री राम मंदिर की नींव में समता, समरसता, सद्भावना का एक नया अध्याय जोड़ेगा। केवल मंदिर की नींव ही मजबूत नहीं होगी, हमें विश्वास है कि इससे राष्ट्र गौरव की नींव मजबूत होगी, राष्ट्रीय समरसता और सद्भावना की गरिमा के लिए मजबूत।